शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ गोस्वामी, खालिद बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से। हाँ वालेकुम सलाम। अरे सुन यार, यार तेरे पेपर में अपनी फोटो वोटो छपा ना यार। हाँ नहीं मैं क्या करता हूँ, अगली बार नायक साहब एनकाउंटर करते हैं ना, तो एक डेड बॉडी पकड़ के उस पर पैर डाल के फोटो खिंचवा लेता हूँ। हाँ डालना यार तेरे पेपर में यार। हाँ दूंगा ना, 5,000 रुपये दूंगा। हाँ यार अपने को भी प्रमोशन मिले ना, ये साला इधर हेड कांस्टेबल बन के कब से लटक गया हूँ। ठीक है ओके, खुदा हाफिज भाई। क्या कंप्लेंट है भाई बोल। साहब मेरी बीवी भाग गई साहब। क्या बात करता है, अरे वाह, ऐसा क्या किया यार, जरा हमको भी तो सिखा। अबे ये क्राइम ब्रांच है, इधर ऐसी कंप्लेंट नहीं लिखाने की। वो गली के नाके पीपल का पेड़ है ना, वहां पे 16 नंबर का बीट है, उधर जाके शिंदे को लिखा। शिंदे? हाँ वो बीवी पकड़ने में एक्सपर्ट है, उसकी खुद की भी 5 बार भाग गई थी ना। क्या बात कर रहा है? जा और सुन सुन सुन, उसको बराबर लिखा ना, तेरी बीवी काली थी, गोरी थी, मोटी थी, पतली थी, मेल थी, फीमेल थी। मेल? अबे जाना पानी कम जाना है। ते नाम दे? हाँ खालिद भाई। तेरी जेब खाली है क्या? क्यों? मेरे को पान थूकने का। क्या मजाक करता है खालिद भाई, आपको पता है कल पेपर में आया था क्या, इतना पान खाने से मुंह का कैंसर होता है। क्या बात करता है यार? हाँ तो? तौबा तौबा तौबा, कल से बंद। पान बंद? अरे नहीं रे, पेपर बंद पगले। ये पान वान छोड़ो और कल से दूध भी पिया करो। अरे तुझे पता है यार, कल मेरे मोहल्ले में एक आदमी दूध पीते पीते मर गया। वो कैसे? अरे मजे से दूध पी रहा था, अचानक उस पे भैंस बैठ गई। क्या खालिद भाई आप भी। हेलो यस सर, अभी मैं अप्पा साहब को बताता हूँ। ओके सर। बहुत पहले मैंने सीखा था कि किसी भी जगह ड्यूटी ज्वाइन करो तो एक दिन पहले ज्वाइन करो, असलियत बाहर आ जाती है। क्या नाम बताया तुमने अपना? अपना नाम बता। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या नाम है तेरा? खालिद। क्या? खालिद। पान बाहर तो क्या, चलो हो गया, अंदर ही थूक दिया। देखिए आज यहां का चार्ज लेने के साथ मैं आप लोगों को यह समझा दूं कि इस वर्दी के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी मौजूद है। एंड आई हेट पीपल हु आर इररिस्पॉन्सिबल। ये लोग भले ही क्रिमिनल्स हैं पर इंसान हैं, इनके भी कुछ हक हैं। कुछ जोक याद आया तुम्हें? बताओ बताओ, कम ऑन टेल मी, शेयर विद मी, आई वांट टू लाफ। जोक ही तो है सर, जिन्हें आप इंसान कहते हैं वो पठान के शूटर्स हैं, उनके लिए तो किसी की जान लेना खाना खाने के बराबर है। ऐसे हरामियों के तो हाथ पांव काट कर ट्रैफिक सिग्नल पर बिठा देना चाहिए। शट अप, जस्ट शट अप। और तुम इन लोगों को समझाने की बजाय तुम आराम से बैठ के वहां चने खा रहे थे। छोटे मोटे गुंडों को मारने का मतलब क्या है? अगर पहलवानी दिखाने का इतना ही शौक है तो इनके बाप दादा को पकड़ के दिखाओ। देखिए आप इन भाई लोगों को नहीं जानते, इनकी पहुंच कानून से बहुत ऊंची है। इंस्पेक्टर सिंह, शायद हम लोगों ने कानून की अलग अलग किताबें पढ़ी, क्योंकि मेरी समझ में यही आता है कि कानून की पहुंच सबसे ऊंची होती है। यू मे ऑल गो नाउ। सर सुनो, वो क्या नाम है उसका, दादा लोगों की फाइल मेरे पास लेके आइए। क्या बोलते हैं तुम्हारे मुंबई भाषा में? भाई लोग। चाहिए उनका चिट्ठा मेरे पास लेके आइए, चाहिए। यस सर। अंडे बेच और कुड़ी बातें पकड़। ये बहुत तकलीफ होने वाला है साहब। बोलते हैं पान थूक के आओ, पान थूक के आओ। अरे 15 रुपए का पान है, वो भी फुकट में, तो थूकने की चीज है? कच्ची मिट्टी का घड़ा है, देखते हैं कितनी बरसातें झेल पाता है। फिर पान खा रहा है, चला चाय पीते। ए खालिद भाई, मेरा नंबर है। अरे यार तू दोस्त है अपन का, मैं गया तू गया, एक ही बात है। ना ना दोस्त है तो घर पे आ, चाय नाश्ता करके जा, इधर दोस्ती बिस्ती नहीं। बाय। देखे शाने, तू कानून के आड़े आ रहा है, कानून के काम अटकाने के जुर्म में अंदर कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं साले। ए खालिद भाई,
अभी पीटा जाएगा क्या? चल, क्या तेरा नाम लिखा है क्या अंदर? हाँ लिखा है। नहीं लिखा तो लिख डालेगा। हाँ, तू पुलिस में है ना, तो अपन भी हाई कोर्ट के जज का पर्सनल ड्राइवर है, पूरे खानदान का नाम लिख डालेगा। तो लिखना यार, आवाज अंदर जाके कर, इधर नहीं जा। बात करता, ए चल ना तू। खालिद भाई टेंशन है। अरे यार, तू आधे घंटे से अंदर, तो फिर भी टेंशन है। टेंशन दूसरा है। खालिद भाई, अंदर टॉयलेट में मेरी बीवी के नाम के आगे मेरे घर का टेलीफोन नंबर लिखा है। अच्छा, आंटी तो मैं लिया, मेरी बीवी के नाम के आगे लिखता है 50 रुपीज ओनली। क्या बात करता है, सिर्फ 50 रुपया? ये तो बहुत कम है यार। तू टेंशन मत ले यार, कोयला ले और 50 के आगे एक जीरो लिख डाल, 500 हो जाएगा, बात खत्म। क्या 500? खालिद भाई, मेरी बीवी क्या? अरे सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ, सॉरी। एक बार ये लिखने वाला खालिद भाई मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट लिख डालूंगा, देखना। मेरे को मालूम है किसने लिखा है। अच्छा, कौन? पीटर? नहीं यार, उसे आज भी लिखने वाला है। क्या तू नहीं मानता? चल, मैं अभी डिब्बा का डिब्बा और पानी का पानी कर देता हूँ। ये पीटर, लिखना मत यार। ए, लिखेगा, हजार बार लिखेगा, डरता है क्या? देखा ये साला, उसको कितना मैंने बाहर समझाया यार, तावड़े की बीवी के बारे में ऐसा मत लिख यार, और 50 रुपए तो मत लिख यार। तो बोलता है आज तो मैं 5 रुपया लिखने वाला हूँ। इतनी महंगाई में 5 रुपए कैसे परवड़ेगा? आज वो गया, खालिद भाई कसम से कह रहा हूँ, आज वो गया। आप बीच में मत आना, आपको मेरी बीवी की कसम, आप बीच में मत आना, आज वो गया। अरे मैं तो पुलिस वाला हूँ, फिकर मत कर, लास्ट में ही आऊंगा। तू फोड़ डाल यार। पीटर, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, प्रधान मर्डर केस के बारे में क्या जानता है? अब मेरे को नहीं मालूम है साहब, अभी प्रधान सेठ इतना बड़ा आदमी था, किससे उसका क्या लेना देना था साहब, अपन को नहीं मालूम है साहब। ऐसे कैसे हो सकता है? प्रधान और वालिया की पार्टियां तेरे और तेरे लड़कियों के बिना अधूरी थी ना। वो तो रहेगी साहब, लेकिन साहब कमरे के अंदर तो लड़की जाता है ना, वामन थोड़ी जाता है साहब। अभी कमरे के भीतर क्या होता है मेरे को क्या मालूम साहब। और वैसे भी साहब, जब से मोबाइल आया मेरा काम बहुत इजी हो गया साहब। साहब धंधे का टाइम हो गया, मंदिर भी जाना है, शनिवार है, गरीब के पेट पे लात मत मारो साहब, जाने दो मेरे को प्लीज। लगता है ऐसे नहीं मानेगा साहब, मैं नायक को बुलाना पड़ेगा। नायक, नायक भाई साहब। हाँ? क्या है, कौन है नायक? नायक? हाँ? वही अप्पा कदम नायक। अच्छा, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अब तक 56 मार चुका है। हाँ? नायक नहीं, पूरा खलनायक है, संभाल के, ऑल द बेस्ट। जी, जी। सारे गंदे काम मेरे को ही देंगे। कहाँ है पेशेंट? कहाँ? ये है क्या? नमस्ते साहब। ये तो पहले से ही मरेला, इसको क्या मारने का। चल ठीक है, ए नाम दे, गिली तो ले ला यार, रिवॉल्वर ला ला ला, रिवॉल्वर दे, चल जल्दी जल्दी जल्दी, दूसरा भी काम है यार। अबे तेरा सर्विस वाला नहीं, वो वाला दे, कितने एनकाउंटर्स किया मेरे साथ तू, दूसरा वाला दे, फसाना है क्या अपने को? नहीं सर। नंबर ये ना साहब जी, मैं भगवान का आदमी है, मुझको मंदिर जाना है, मुझको जाने दे। अरे बेटे, मंदिर के रास्ते पे रास्ता खुदा है ना, तो ट्रैफिक बहुत है, मैं इधर ही तेरे को भगवान के पास। मेरे को भगवान के पास नहीं जाना साहब, मैं बाल बच्चे वाला आदमी, सब मैं सब बता देगा सब। अबे बस गोली मत, लेकिन अभी तो तू बोल रहा था भगवान के पास। अच्छा अच्छा, देख साहब आगे, सब साहब को बता देना, गुड बॉय, बता देना। चल बोल, बोल जल्दी। सब होम मिनिस्टर माणिक राव और प्रधान सेठ के बीच में कुछ टेंशन था साहब, बिजनेस का। सब बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन और बड़ा बड़ा धंधे वालों के बीच में मुझको मत घसीटो साहब, मैं बहुत गरीब आदमी साहब, मेरे को जाने दो साहब। ए तू जा रहे, इसको लेके जा रहे, इसको कुछ नहीं मालूम है। चल नायक साहब के पास मत ले जाना भाई। तेरे दारू के सप्लायर का क्या हुआ? सब हो गया, तू इतना परेशान क्यों है? तू जानता है ना उसे? नहीं नहीं, मैं आज तक मिला नहीं उससे। हाँ? लेकिन मैंने मंत्री जी की डायरी से नंबर निकाल के उसको फोन किया है, तू चिंता क्यों कर रहा है? देख, मंत्री जी का दिमाग बहुत गर्म है, सारी सेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सारी सेटिंग प्रॉपर ही होगी, तू बाथरूम जा, टेंशन कम हो जाएगा, कोई पूछे मेरा नाम ले देना, जा चिंता मत कर। खाली की बात कर रहा है यार, मंत्री जी के यहाँ से फोन करो, दारू का सप्लायर ना आया, इतनी हिम्मत? यस, हाउ आर यू? फाइन। साहब कहाँ? मैं तुम्हें मेम साहब दिखता हूँ क्या? मैंने पूछा हाउ आर यू,
फाइन। अरे यार तुम लोग इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम रखते हो यार। हाउ आर यू मतलब कौन हो तुम? अच्छा अच्छा ऐसे आ रहे हो। देखो हम पार्टी में बड़े लोगों का मूड बनाते हैं। अरे तुम वो हो सप्लायर? अरे इधर आओ ना यार, तुम्हारा तो इंतजार कर रहा हूँ। वालिया साहब की डिनर पार्टी है, लंच अभी शुरू हो जाएगा, माल कहाँ है? अरे माल सब तैयार है, गिनती बोलो आप। देखो सब इम्पोर्टेड चाहिए है, एकदम प्योर। क्वालिटी की चिंता बिल्कुल नहीं करना, क्वांटिटी बोलो। लगभग 4 तो मंत्री जी को चाहिए होंगे। 4? हाँ 4, वो भी एक साथ। एक साथ 4? बहुत शौकीन है भाई, अभी आएंगे तो एक मांगेंगे और खाने से पहले दूसरी और खाने के बाद तीसरी और एक घर पे लेके जाएंगे। घर में? अरे रात तो काटनी पड़ती है ना बाबा, आल लाइट फुल टाइट। हाँ लेकिन उनकी बीवी जो? बड़े लोग हैं, जो भी करते हैं सीक्रेटली खुल्लम खुल्ला, हमारे जैसे थोड़ी छिपे छिपे। कभी कभी तो उनकी बीवी भी ज्वाइन करती हैं। क्या बात, बहुत बड़ी महिला है वो। उसने मंत्री जी से साफ बोल दिया जो भी करो मेरे सामने करो। कभी कभी तो वो खुद ले आती है। हाँ धंधे में कंपटीशन पड़ गया। अरे घर में एक आध स्टॉक रखना पड़ता है ना भाई, रात के 2:45 बजे खांसी से नींद खुल गई, अब क्या करें, लेनी पड़ेगी ना। सर ये कार्ड रखिए मेरा, ये सेटिंग मेरी करा दो, एक से एक आइटम लाके दूंगा, एकदम पेटी पैक करवा दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। 100% आपको भी इम्पोर्टेड लगेगी? अरे नहीं 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 बाबा, अपने को इम्पोर्टेड नहीं, बराबर चढ़ते नहीं, अपने को देसी देसी। देसी भी है? हाँ एकदम काउंटन, मुंह से लगाते जहां बोलोगे चढ़ जाएगी। अच्छा आपके लिए एकदम फ्री। ए पक्का? हाँ मैं कल फोन करूँ। अच्छा ठीक है, आज हम बात नहीं कर रहे। मैं हुई नहीं, मैं हुई नहीं। क्या आदमी मिला यार, अलादीन का चिराग कल छक्के पीऊंगा। आपके ये शौक भी है तेरे को? अरे शौक तो बहुत है त्रिपाठी, लेकिन अपने को परवरता ही नहीं है, क्या सेटिंग हुई। अरे वो सब छोड़, दारू के सप्लायर का क्या हुआ? तो ये क्या तुम्हारा पिताजी जा रहा था? यही तो है वो। ये किसी और चीज का सप्लायर है। किसका? लड़की का। अरे यार पहले क्यों नहीं बताया, मेरा नाम खराब हो जाएगा। अभी क्या करूं चश्मुद्दीन, कमिश्नर साहब भी आ गए। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोगों को जो कुछ भी कहना था अदालत में कह चुके, बस अब मेरे फैसले का इंतजार कीजिए। ओके प्लीज जाइए। छोड़िए ना जज साहब, ज्यादा वक्त तो हमारे पास भी नहीं है। क्यों? अपना फैसला सुनाने से पहले अपने पुराने दोस्त से तो मिल लीजिए। मोहिते आपका दोस्त यूसुफ पठान। अरे जज साहब आप, मैं बेकार में घबरा रहा था, मुझे लगा पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, मैं टेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया मेरा, बैठ जाऊं? आप कोई फिक्र की बात नहीं है, ये तो दोस्त हमारे पुराने हैं, मैं तो इसी डर रहा था। ये इनके जजमेंट पर, इनकी सोच समझ पर अपन को पूरा भरोसा है और वादे के एकदम पक्के हैं। यार साहब वो मल्होत्रा वाला केस हा? जिसके फेवर में आपने फैसला दिया था, 8 खोखा उसने नहीं दिया तो आपने तो हमारे हाथों उसकी कब्र ही गुदवा दी। हाँ फिर उसके भाई को पैसा देना पड़ा और वो अपना एयरपोर्ट के बगल वाली डील, उसका फैसला भी हमारे फेवर में दिया। सारा स्लम का लैंड जो था वो बिल्डर को मिल गया, उसमें कम से कम नहीं तो आपने कितना 20-30 खोखा दबाया होगा, नहीं भूल गए क्या? अरे बड़े बड़े झोल झपाट हैं इनके, वो चड्डा बांद्रा वाला चड्डा खान पता नहीं क्या क्या। मात्रे जयशंकर, हो कहा तुम लोग? ए रुको, अंदर जनता की अदालत चल रही है, चलो जाओ। इस टेप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके अंदर आपके और इसकी पुरानी बिजनेस डील रिकॉर्ड है, सुनना चाहेंगे आप? पठान ये जानते हुए कि तुम्हारे भाई के खून में इन पुलिस वालों का हाथ था, इसके बावजूद भी तुम इनका साथ दे रहे हो? अरे घास चरने गई थी अकल मेरी, जब तुम्हारे जैसे लोग और नेता लोग पलटी मार सकते हैं तो हमारा क्या भाई, हमको भी आता है सौदा करना, ऐसा थोड़ी है। पठान हम लोगों को धोखा दे रहा है तू, जिंदा नहीं बचेगा। और सुन ले, तूने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, तेरे तेरे न जाने कितने आदमियों को मैंने टाडा मौका से बचाया है, और
हजारों करोड़ों के बिजनेस से, पब्लिक पब्लिक जिसे स्कैम कहती है, स्कैम। तुमने मानिकराव वालिया ने मेरी वजह से न जाने कितने पैसे कमाए, भूल गया? और आप लोग जो पठान की धौंस दे रहे हैं, भूल जाइए, अगर आपके पास पठान है तो मेरे पास कलम है, कलम की ताकत, खड़े खड़े डिसमिस करवा दूंगा। अब आप जाइए, लेट मी वर्क। तेरे तेरे न जाने कितने आदमियों को मैंने टाटा मौका से बचाया है, और हजारों करोड़ों के बिजनेस से, पब्लिक पब्लिक जिसे स्कैम कहती है, स्कैम। तुमने मानिकराव वालिया ने मेरी वजह से न जाने कितने पैसे कमाए, भूल गया? अरे यार, क्या चाल के लिए तुम्हें, ये तो कुछ ज्यादा ही बोल गए। अबे तुम्हारा तो पोपट हो गया यार। अरे भाई, पहले टेप में कुछ नहीं था, अब तो तुम्हारी कैसेट जम गई। फैसला सुनाने से पहले ये तय कर लीजिएगा कि आपका ये पहलू जनता और बार काउंसिल के सामने आ जाए तो कैसा रहेगा। जज साहब, अगर हम चाहें तो इस टेप को कोर्ट रूम के अंदर चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद देश की 100 करोड़ से भी ज्यादा जनता का विश्वास कानून व्यवस्था पर से उठ जाएगा। इसलिए भारत के एक अच्छे और सच्चे नागरिक की हैसियत से आपसे अपील करता हूं कि आप अपना फैसला दें, फैसला जल्द दें, और इस फैसले के फौरन बाद अपना इस्तीफा दें, ताकि ये फैसला आपकी जिंदगी का आखिरी फैसला हो जाए। चलें, अब हमें जरा नेपाल जाने की तैयारी करनी है। 15-20 साल बाद चले जाना। क्यों? अरे मेरे साथ भी, मेरे साथ होगा, पठान के साथ होगा। क्यों बे, तूने क्या अपने आप को हम पुलिस वालों का दामा समझ रखा है? मोहिते, मजाक कर रहे हो ना? लेके जाओ उसको। पटाई जी, चल चल। विक्रम साहब, लेके जाओ उसको। अरे चल 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 च